बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं सुप टाइम सेफ बाइट। आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं बहुत ही मज़े मज़े के डिलीशियस पाकिस्तानी इंटरनेशनल नेशनल डिशेस आपको सिखाई जाती हैं। आप यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े की डिशेस सीख सकती हैं। जो भी आपको डिश पसंद हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको वो डिश मैं सिखाऊंगी। आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ ये भी है जी बहुत ही स्वीट एंड सार डिलीशियस चाइनीज डिश है। ये है जी चिकन मंचूरियन। ये राइस के साथ सर्व की जाती है और ये है जी चाइनीज ग्रेवी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। मंचूरियन बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं आपको वन बाय वन आपको इसका इंग्रेडिएंट्स इज्जा बता देती हूँ। सबसे पहले जी इसमें यूज होगा चिली सॉस, इसको हॉट सॉस भी कहा जाता है, और कॉर्न फ्लोर यूज होगा इसमें, कॉर्न स्टार्च है ये, और जी यूज होगा इसमें सोया सॉस, और इसमें यूज होगा अंडे, एग्स, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश ले सकते हैं आप, साल्ट टू टेस्ट इसमें यूज होगा, और इसमें यूज होगा टमाटो केचप, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है इसका, बेसिक ही हिस्सा है। आप जो है इसको स्वीट एंड सार करने के लिए टमाटो केचप की पहले सॉस बनती है, तो आपने साथ साथ रहना है और किसी भी मेथड को आप स्किप ना किया करें ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। चिकन यूज होगा क्यूब्स कटिंग में, ये मैंने ले लिया था 500 ग्राम, और आपने ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें जो है लेग वाला पोर्शन होना चाहिए, वो बड़ा सॉफ्ट और जूसी होता है। शुगर यूज होगी, चाइनीज फूड में शुगर मस्ट होती है, और ये है जी चिली पेस्ट, इसकी रेसिपी अपलोडेड है, और जी इसमें यूज होगा चिकन पाउडर। मंचूरियन का फर्स्ट स्टेप है जी चिकन की मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए आप एक खुले मुंह वाला बाउल ले लीजिएगा, और जी उसमें जो मैंने 500 ग्राम चिकन लिया हुआ था आप उसको क्यूब कटिंग करके खुद ही आप कटिंग कीजिएगा, क्योंकि वो बेस्ट होती है, आपको चीप प्राइस में पड़ती है। अगर आप जो है बोनलेस चिकन लेते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है, तो आपने इस साइज के क्यूब बना लेने हैं जैसे ही आपको शेप चाहिए। तो मैंने इसको क्यूब कटिंग में बना लिया था, और जी इसमें यूज़ करेंगे हम तकरीबन दो अंडे। अंडे डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से जी मिक्स कर लेना है। एग ऐड करने के बाद ही आप इसमें साल्ट डालेंगे हाफ टी स्पून और शुगर डालेंगे हाफ टी स्पून। शुगर इसमें मस्ट होती है चाइनीज़ फूड में और इसको क्रंची करती है। सोया सॉस डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है और कलर को ब्राउनिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जी हम इसको अच्छी तरह से सोया सॉस को मिक्स करने के बाद जी इसमें डाल देंगे हॉट सॉस, इसको चिली सॉस भी कहा जाता है, और हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनीगर तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये सार होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा और सार करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा और वाइट विनीगर ऐड कर लीजिएगा। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जी कॉर्न फ्लोर, ये जो है इसको थिकनेस करने के लिए होता है। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे जी हाफ टेबल स्पून, आप इसमें 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हाफ टेबल स्पून इनफ है। और जी इसको थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चिली पेस्ट, ये ऑलरेडी इसकी रेसिपी अपलोडेड है, इसके 2 टेबलस्पून आपने ऐड कर देने हैं। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। और जी इसमें ऐड करेंगे मैदा फाइन फ्लोर 2 टेबलस्पून, ये इसकी कोटिंग के लिए है ताकि जब हम फ्राई करने के लिए लगें तो स्पाइसी इसको अच्छी तरह से लग जाए और ये कोट हो जाए। जैसे ये मैरिनेट कंप्लीट हो जाएगी तो हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि इसमें जो मसाला जात हमने मिक्स किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिनट्स गुजरने के बाद ही हम इसको कर लेंगे फ्राई, जो हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था और इसको कोट किया हुआ था। आपने इसमें थोड़ा सा नॉनस्टिक पैन में ऑयल डालिएगा और इसको हम करेंगे जी फ्राई। नॉनस्टिक पैन में ऑयल कम से कम यूज़ होता है तो आप भी इसमें कम यूज़ कीजिएगा। और जी हम इसमें ये जो है 1 बाय 1 क्यूब ऐड करके इसको फ्राई कर लेंगे।
मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा। अगर आप इसकी हाई फ्लेम कर देंगे, आंच ज़्यादा कर देंगे, तो ऊपर से ये जल्दी से डार्क हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इसको जो है धीमी धीमी आंच पर, नीमी नीमी आंच पर जो है आपने इसको फ्राई करना है। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है तो दूसरी तरफ हम बना लेंगे जी इसकी मंचूरियन की सॉस। उसके लिए आपको रिक्वायर होगा थोड़ा सा ऑयल, बहुत ही कम ऑयल डालिएगा, और जिसमें तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर आपने गार्लिक जो है ना फाइन चॉप इसमें ऐड करके इसको लाइट से करना है जी सोते। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा मंचूरियन सॉस के लिए। आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। देखिए जी हमारा जो गार्लिक है ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप भर के टमाटो केचप का, और हम इसको स्पून को स्टीर करेंगे, और सॉस बनाने के लिए जो गार्लिक था उसको हमने मिक्सअप करना है ताकि इसमें गार्लिक का टेस्ट आ जाए। मंचूरियन सॉस आप मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करें, और इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून आपने शुगर ऐड करना है, और वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून, और सोया सॉस भी 2 टेबल स्पून ऐड करके आपने इसको थोड़ा सा स्टीर करना है, और हल्का सा इसको स्पाइसी करने के लिए चिली पेस्ट ऐड करना है 2 टेबल स्पून। इसकी जो है रेसिपी अपलोडेड है ताकि आप उसे मुस्तफीज हो सकें। और जी इसमें ऐड होगा चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। आपने इसको चिकन पाउडर ही यूज़ करना है, चाइनीज साल्ट जो है अपनी लाइफ से स्किप कर दें, ये बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे ये सॉस तैयार हो चुकी है और चिकन फ्राई हो चुका है हमारा, और इस सॉस में हम जो है चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। पंद्रह से 20 मिनट मुसलसल आप इसमें स्पून ज़रूर स्टीर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये स्टिक हो जाएगा, नीचे से लग जाएगा, तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। आपने मुसलसल जो है इसमें स्पून ज़रूर हिलाना है, और ये तकरीबन हमारी जो है मंचूरियन सॉस, देखें ये केचप थिक हो चुका है और मंचूरियन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे जी इसकी गार्निश। अच्छा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसको सीजलर कहा जाता है, ये मार्केट से मिल जाता है, इसमें खाना गर्म रहता है। इसको आपने फुल हाई फ्लेम पर जो ऊपर प्लेट पर हुआ है इसको आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और नीचे जो है वुड का इसका स्टैंड है। इसमें खाना सर्व करने से जो है मंचूरियन कोई भी ग्रेवी है चाइनीज की तो वो गर्म रहती है, और इसमें छुन छुन की आवाज़ और मज़े का स्मोकी फ्लेवर आता है जो कि आपके मूड को और भी अच्छा कर देता है। और ये मंचूरियन जो है ये फ्राइड राइस के साथ, चाइनीज़ फ्राइड राइस, इसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसके साथ ये जो है चाइनीज़ ग्रेवी सर्व की जाती है, चिकन मंचूरियन। ये बड़ों और बच्चों की दिल पसंद डिश है, मोस्ट फेवरेट है, और मेरी भी मोस्ट फेवरेट डिश है ये मंचूरियन, बहुत ही यम्मी से लगता है। अपने बच्चों को लंच में बना कर दें, स्कूल के लिए आप बड़ों को बना कर दें, बहुत ही पसंद की जाएगी। आई होप कि आज की आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, चाइनीज़ कुजीन आपने घर बैठे सीख लिया, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई बिलीव कि ये बहुत ही मज़े की और कम प्राइस में बनेगी, आप अपनी फैमिली को कम प्राइस में बहुत मज़े मज़े की डिशेस घर में बनाकर दे सकती हैं और घर बैठे शेफ बने। और अगर आपको कोई डिश सीखनी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। और ये फ्राइड राइस की रेसिपी जी पहले अपलोडेड है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी बहुत मज़े की यमी सी है, आप ज़रूर बनाएंगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।